वेलकम बैक आशक। पाजी मैनू नहीं कहना, नादरी नू नादरी नाल मुंह करके कहना सी, मरे घबराया सप्प हुंदा ई, घबराया सप्प हुंदा ई, फलाना सप्प हुंदा ई, टिंगड़ा सप्प हुंदा ई, इधर उधर सप्प हुंदा ई, तार ते सप्प बैठा हुंदा ई। बाकी आ मैनू इक मुंडा कह रहा सी कि इहनू कहो कि ऑफ वाइट सप्प हुंदा ई। ला ऑफ वाइट हो सकदा च की? मैं इक सीधे हाथ दी टांट मारनी ओहदे मार जिहने मैनू कहा, मैनू की कहने आ यार। अल्लाह ही हाफज आवे। सुलेमान खान साहब जी सर, इन्हां दा मसला बड़ा अजीबो गरीब किस्म दा चाचा जी, लेकिन मैं इत्थे तुहानू इह दसणा चाहांगा कि किसी रजिस्टरी नूं जाली तौर ते तैयार करना या किसी अदालती मिसर च रद्दों अबल करने दी सजा 7 साल है। अच्छा, तो इनका मसला ये है कि ये पहले गए पटवारी के पास जदों इन्होंने प्लाट परचेज किया। पटवारी ने कहा जी कि उहदे मालक ऐ ने, उहदा नाम असलम आ। फिर उस तो बाद इन्होंने बिल्डिंग बनाती, उत्थे जो भी इन्हां दा तय होया। अभी वो इनका रजिस्ट्री करवाने का टाइम पूरा नहीं हुआ था, अभी कोई पीरियड रहता था बाकी। वो असलम साहब जिहड़े सी उह इन्हां कोलों पैसे लेंदे रहे, स्टाम की बैक साइड से लिख के टोटल ला के दिंदे रहे, 38 लाख रुपये इन्हां कोल लै लिया। जदों बिल्डिंग बन गई तो एक अल्लाह दित्ता नाँ का बंदा आ गया, कहिंदा जी भाजी इह प्लाट मेरा। इन्होंने कहा भाई जी मैं तो 3 महीने तो इतने पैसे लै रहा, तुम उदों तुहानू इतने अन्ने सी तुसी सारे, और मैं पटवारी को जाके चैक भी किया सी आप असलम दे नाल जाके। उन्हें कहा भी आ मेरे नाल, 2-4 बंदे उन्होंने, 2-4 बंदे इन्हों के, सारे पटवारखाने गए हैं। तो पटवारी साहब ने रजिस्टर्ड कढ़िया तो कहिंदा भी इहदे मालक ते आ भाई है जिहड़ा हुण आया। अल्लाह दित्ता ने आके बिल्डिंग के उत्ते कब्जा कर लिया। उस तो बाद गए असलम दे कोल भी आ भाई तू मेरे को पैसे लेंदा रहा, पिछे लिखता रहा, तू इन्ने बड़े मेरे को 35-30 लाख लै लिया, तो या मेरे पैसे जड़े वापस करो या जड़े मेरे पूरे करवाओ। उन्हें कहा आओ पटवारी दे कोल चल दे, वह भी उन्हें भी बांह फड़ी इन्हें को पटवारी को लै गया। पटवारी को गए, उन्हें फिर रजिस्टर्ड कढ़िया। उस टाइम उन्हें कहा जी असलम मालक आ। अब ये कभी असलम दे कोल जाते ने, कभी अल्लाह दित्ते दे कोल जाते ने, कभी पटवारी दे कोल जाते ने, कभी थाने जाते ने, कभी कचहरी जाते ने, कदी किसी पंचायत जाते ने, कदी कदे 2 बंदे बेचारे गवाह कट्ठे करते ने। बाकी ये सप्प दे आर पार मोरी कीती हुंदी। लौफे सप्प, हर गल दे अंड ते सप्प हुंदा। सप्प के साथ मिलके रहना चाहिए की समझे? अगो इहदा शौक ही वेखो, पटवारखाने च अल्लाह दित्ते दे नाल जाण ते पटवारी कहिंदा जी अल्लाह दित्ते दे ना जी मालक, असलम दे नाल जाण ते ओह कहिंदा जी असलम साहब जिहड़े ओह मालक। ये बेड़ा करक ते पटवारी दा हुंदे आ। पटवारी मैनूं वैसे नहीं चंगे लगदे, पटवारी दा मुंडा वी इदां दा ही हुंदा, उहदे नाल दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी आया नहीं। मजाक वाली गल फेर कर लो, अगले दे पैसे लगे ने, देखो उहनां दा लखां रुपया बेचारियां दे सारी जिंदगी दी जमा पूंजी उहनां दी लग गई है। तो देख लो मरे जिवें इशारे ते सप्प रुकिया हुंदा। आपने क्या महल बना लिया? नहीं, वो कंस्ट्रक्शन 3 मंजिला बनाई है ना, वो 42 लाख रुपए का तो खाली प्लाट ही प्लाट था, तो मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी उसके ऊपर लगा दी, और मुझे कोई भी उधर वो जिनसे प्लाट लिए है वो भी नहीं मारे, और जो पार्टी ने कब्जा किया वो भी नहीं मारे, तो मैं तो सेंटर में फंस गया। साप बन के बैठे ने बूटा जी उत्ते, और तैनू लड़े सापा। मैंने कर्ज लेके वो कंस्ट्रक्शन करवाई हुई, अभी लोगों के पैसे भी देने हैं, वो भी मुझसे पूछ रहे हैं, उनके वादे सर के ऊपर आ गए। आपने कहा था जी घर आप तमीर जब आपकी मुकम्मल होगी आप हमें पेमेंट दे देंगे, और वो भी मेरे पीछे पीछे जी आशक था। चाचा जी इन्ह का मसला उदा हाल ये है कि कोई ऐसा हेलो कोई ऐसे दस्तावेजात, एक मिनट अपने दस्तावेज अपने रा। हाँ हेलो, सत श्री अकाल वीरे। वालकम सलाम, कौन सब कहां से? दलेर। कौन जी? दलेर सिंह गल कर रहे हैं बूटे। आपकी आवाज नहीं आ रही बूटे। वीरे दलेर सिंह गल कर रहे हैं। उधर दलेर सिंह गल कर रहे हैं जी। दलेर सिंह भाई हुका लुधियाने तो गल कर रहे हैं जी। वीर जी शुक्र है कि लुधियाने में मेनू कॉल आई है। पापा जी एक मसला पै गया छोटा जा, मैं फोन कर लवा तुहानू। बूटा जी मैं भी एक प्लाट लै बैठा वीरे, मैं बड़ा गलत बंदे कोलों फस गया यार, मेरा कोई हल कर दे बूटे। वीरे अद्धा मरला जमीन ले है मैं। बूटा सॉरी एक मिनट, मैं आडियो दे विच को मसला आ गया तो मैं ठीक कर लवा, मैं तुहाडी कॉल दोबारा मिला देना। जरा बहुत मात्र लख दी तुहाडे आडियो दे सिस्टम ते। ओ कॉलर नु कहो तू इत्थे लाइव सामने आके गल कर ला। नहीं नहीं आशिक साहब सिर्फ 2 मिनट यार, एक लीड हिलदी है पिछों दी, जैक खराब है, मैं 36 वारी इन्हां मुंडियां नु कह के इहनू जैक नवां। एक मिनट बूटा जी मादरत ना, तुहाडी मेहरबानी।
हेलो 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 हेलो। हाँ जी बूटा जी हूँ ठीक है। हेलो बूटा जी आवाज आ रही है? मैनू के पता आप आके सुन ला यार, मैनू तो ठीक आ रही है, तुहानू नहीं आ रही? हाँ जी ना, फिर मैनू मैं की करा। चलो मैं लाती कॉल, में दोबारा कॉल करो सरदार होना। हेलो सत श्री अकाल जी। बूटा जी मैं जमीन खरीद के तो मैं स्यापे च पै गया जी। अद्धा मरला जमीन हैगी है बूटे, मैं ओदे उत्ते 7 मंजिला पा लिया, एक एक कमरा उत्ते उत्ते। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ता भाई जी अद्धा मरला जमीन दे उत्ते मैं 3 मंजिला पा लिया है अपना चबारे, ते चौथी मंजिल तौर उत्ते जाके मैं वाशरूम बनाया इको ही, जिहदे जिहदे सारे यूज करदे हैगे जे। ओ भाई हुण गल इह है बूटे कि भाई हुण सब तो उपर आले जिहड़े है ओ जदो उत्ते जांदे सी थले आले भी उपर जांदे सी, दरम्यान आले पोर्शन आले भी जांदे सी, उहनां दी लड़ाई हो पई। ओ जिहड़े सब तो उपर आले हैगे सी ओ स्टे लियाए ने, वाशरूम दा स्टे लियाए ने, ओ हुण थले आले नूं उत्ते नहीं जाण दिंदे भई। अग्गे वीर जी अग्गे मसला इह है कि हुण जिहड़े थले आले दो पोर्शन आले हैगे आ ओ कहिंदे आ भी सानूं अपना अलग अलग तो सानूं अपना जिहड़ा साडे वाशरूम बना के दिओ दोवां पोर्शनां ते। हां जी ते बस मेनू यह दस दियो भी उस स्टे कैंसल कितना करवाई रहेगा, मैं ओ अदालत जाके कैंसल करवा। ओए ओ नहीं होना क्यों वीरे, कातो नहीं होना भी। नहीं बस सरदार जी, सप दा ही हक आ उना वाशरूम च, सारे यूज करना चाहिदा उना। यार पर ओ लड़ी जांदे हैगे भाई जी, मैं यही ते बकवास कर रहा हां उदों दी, मेरी गल समझ नहीं आउंदी। कटो कटो इनू गालां कटो जरा, क्यों भी मैं कातो कटा वीरे, मां मेरा दिल करदा तू कट ते। भाई जी मेरा मसला हल कर दियो, मैं बड़ी दूरों फोन कीता होया तुहानू। हुण गल कर ओए मरे लंगड़ा सप हुंदा ई। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਕਾ ਲੱਖ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਜੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਲਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਲੱਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇ ਕੈਂਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਐਸਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂ? ਲਾ ਚੁਹਾਣ ਮਕਾਨ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇ, ਲੈਟਰੀਨ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਲੈ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਪੁੱਠਾ ਕਰੋ, ਲੈਟਰੀਨ ਥੱਲੇ, ਬਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਾ ਵਕਫਾ ਹੁਆ।